22 जनवरी को पीएम मोदी अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन करेंगे। उद्घाटन को लेकर पूरे देश में संघ और बीजेपी से जुड़े लोग प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। घर घर अक्षत निमंत्रण दिए जा रहे हैं, तमाम लोगों को न्योता दिया गया है, लेकिन कांग्रेस नेताओं को भी न्योता दिया गया था और अब कांग्रेस की ओर से इस मामले पर अपना रुख साफ कर दिया गया है। तो क्या कहा कांग्रेस ने, देखिए ये रिपोर्ट। राम मंदिर के आयोजन को एक पार्टी का आयोजन बनाया जा रहा है। धार्मिक आयोजन में जमकर सियासत चल रही है और इसी सियासत से नाराज देश की चार पीठों के शंकराचार्य ने 22 जनवरी को अयोध्या जाने से इनकार कर दिया है। दरअसल पीएम मोदी राम मंदिर के गर्भगृह में रामलला की मूर्ति की स्थापना करेंगे और इस दौरान संघ प्रमुख मोहन भागवत, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, यूपी की राज्यपाल आनंदी बेन और मंदिर के महंत उपस्थित रहेंगे। कार्यक्रम को पूरी तरह से सियासी बनाए जाने पर शंकराचार्यों ने नाराजगी जताई तो अब कांग्रेस की ओर से साफ कर दिया गया है कि धार्मिक काम में राजनीति नहीं लानी चाहिए। पार्टी की ओर से ये साफ कर दिया गया है कि 22 जनवरी को उद्घाटन के समय कांग्रेस संसदीय दल की नेता सोनिया गांधी, पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और अधीर रंजन चौधरी कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे। पार्टी की ओर से ससम्मान इस न्योते को अस्वीकार कर दिया गया है। इसे लेकर कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने पत्र जारी करते हुए कहा कि कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करती है, लेकिन राम मंदिर का ये उद्घाटन आरएसएस और बीजेपी की राजनीतिक परियोजना है। धर्म एक बेहद व्यक्तिगत मामला है, लेकिन बीजेपी राम मंदिर के मुद्दे का राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल कर रही है। ये उद्घाटन आरएसएस और बीजेपी का इवेंट है। आपको बता दें कि इसी के साथ जयराम रमेश ने अधूरे मंदिर के उद्घाटन पर भी सवाल उठाया है। डीवी लाइव की रिपोर्ट।